स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज लीगेंड्स विद देयर चार्ज एंड देयर नेम इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस लेक्चर आपने जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी किया कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट आर लीगेंड्स। सो आज हम जो भी आपके लीगेंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उन पे चार्ज क्या होता है, माइनस वन है, प्लस वन है, प्लस टू, व्हाट्स एवर बी द चार्ज, क्लियर टू ऑल ऑफ, और उनका जो नेम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज एक लीगेंड है आपका सल्फेट SO4 नेगेटिव, तो जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, व्हेन इट विल एक्ट एज अ लीगेंड, तो उसका जो नाम होगा इट विल बी सल्फेटो। जैसे फ्लोराइड आयन है F नेगेटिव, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट्स नेम इज फ्लोरिडो। तो आज हमें स्टडी क्या करना है कि हमारे जो लीगेंड्स हैं उनके क्या नेम होंगे, क्या उन पे चार्ज होंगे। तो लीगेंड्स की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह पता है, दीज आर द स्पीसीज हैविंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर हम बात करें लीगेंड्स की, तो लीगेंड्स बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट टाइप जो होगी बेटा एनायनिक लीगेंड, सेकंड न्यूट्रल लीगेंड एंड थर्ड कैटायनिक लीगेंड्स। सो आई विल स्टार्ट द फर्स्ट विद द, यू कैन से नेमिंग इन केस ऑफ एनायनिक लीगेंड से हम स्टार्ट करते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो जो इसमें अब मैं सीरियल नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीगेंड्स हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि उसका नेम हमने कैसे लिखना है। एनायनिक लीगेंड में सबसे बड़ी बात क्या है कि दे आर एंड विद ओ, इनकी जो नेम है वो ओ से एंड होगा, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बस ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। चलिए, सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ऑल ऑफ यू नो फ्लोराइड, चलिए नंबर भी डाल ही लेते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नंबर फोर आयोडाइड। सो फ्लोराइड इज एफ नेगेटिव, क्लोराइड बेटा सीएल नेगेटिव, ब्रोमाइड इज बीआर नेगेटिव एंड आयोडाइड इज आई नेगेटिव। अब ये इनके नॉर्मल नेम है, क्लियर, बट व्हेन दे विल एक्ट एज लीगेंड्स दे आर रिटन एज इट इज फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो एंड दिस वन आयोडीडो। नाउ एज फार एज चार्ज इज कंसर्न बेटा आपको नजर आ रहा है -1, -1, -1, -1। सो सेपरेट भी लिख देते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं थी इसकी, बट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी विल स्टडी 5 और 6 पे साइनाइड, सी एन नेगेटिव एंड आइसोसाइनाइड एन सी नेगेटिव, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सी एन नेगेटिव साइनाइड इट इज रिटन एज साइनिडो, वेर एज आइसोसाइनाइड इज रिटन एज आइसोसाइनिडो। एज फार एज चार्ज इज कंसर्न बोथ विल हैव द -1 चार्ज। आफ्टर दैट वी विल राइट नाइट्रो, नाइट्रो बेटा NO2 नेगेटिव, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ एक और करेंगे हम, नंबर 8 नाइट्राइट, नाइट्राइट इज ONO नेगेटिव। स्टूडेंट, इन माय लेक्चर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड मैंने आपको क्लियर किया था कि CN नेगेटिव, NC नेगेटिव, दीज आर एम्बीडेंटेड लिगेंड, इनकी अलग अलग कोऑर्डिनेशन साइट है। CN नेगेटिव यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से, सिमिलरली ये भी। सो नाइट्रो NO2 नेगेटिव इसका नॉर्मल नेम है, ONO को नॉर्मली बोलते हैं नाइट्राइट, बट जब हम इसको एज अ लिगेंड यूज करेंगे देन द नेम इज रिटन एज, यहाँ पे नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, सो इट इज रिटन एज नाइट्रिटो N, बहुत ध्यान से समझना है, नाइट्रिटो N, दिस इज नाइट्रिटो O एंड बोथ विल हैव द चार्ज -1, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ 9th नंबर पे बेटा सल्फेट, ऑल ऑफ यू नो सल्फेट इज SO4 नेगेटिव, क्लियर। अब इसका जो नाम लिखा जाएगा एज अ लिगेंड इट इज रिटन एज सल्फेटो, और इस पे जो स्टेट है बेटा वो -2 या चार्ज जो है वो -2 है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ यू नो बेटा हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव, एज अ लिगेंड इट इज रिटन एज
हाइड्रोक्सो, फर्स्ट नेम है हाइड्रोक्सो दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड आल्सो रिटन एज हाइड्रोक्सीडो और वी कैन राइट, बहुत ध्यान से समझना है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज हाइड्रोक्सीडो. नाउ माइनस वन चार्ज है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो एट नंबर 11 वी विल हैव ऑक्सलेट आयन. ऑक्सलेट आयन कहाँ से आया, देखिए सी डबल ओ एच, ये आपका सी डबल ओ एच, दिस इज योअर ऑक्सैलिक एसिड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन को हटा देंगे सो सी डबल ओ नेगेटिव, दिस आयन इज सेट टू बी द ऑक्सलेट आयन. इसका एक सिंबल भी है जो हम नोट करते हैं ऑक्सलेट आयन का, दैट इज ओ एक्स, और इस पे बेटा चार्ज कितना है माइनस टू, सो प्रॉपर सिंबल ओ एक्स माइनस टू. नाउ एज अ लिगेंड इट इज रिटन एज ऑक्सलेटो और इस पे जो चार्ज है वो माइनस टू चार्ज है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट इज एसीटेट. एसीटेट इज सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, क्लियर. एज अ लिगेंड इट इज रिटन एज एसीटेटो और बेटा इस पे जो चार्ज है वो माइनस वन. सो ये 12 स्पीसीज मैंने लिखी है स्टूडेंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो. बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. नॉर्मली आप लोग आयंस को स्टडी करते हो, सिर्फ वही आयंस जिन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें एक एबिलिटी होती है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देयरफॉर हम उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स. तो लिगेंड में एनायनिक में जो नेम है वो आपको ओ पे एंड करना है. सो ये हमने किए अभी 12. नाउ नंबर 13 थायोसाइनेट एंड नंबर 14 आइसो थायोसाइनेट, दीज आर अगेन द एम्बिडेंटेट लिगेंड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थायो का मीनिंग होता है सल्फर, सो इट इज एस सी एन नेगेटिव. आइसो मीन्स इसको रिवर्स कर दीजिए, एन सी एस नेगेटिव. एज अ लिगेंड बेटा दिस इज रिटन एज थायोसाइनेटो एंड दिस इज आइसो थायोसाइनेटो. बेटा सिंबल से ही आप उनका चार्ज भी लर्न कर सकते हो, इट इज क्वाइट ईजी, क्योंकि आप जो ये आपका थायोसाइनेट है इसको एस सी एन लर्न मत कीजिए. जैसे क्लोराइड है यू विल लर्न इट एज सी एल नेगेटिव, फ्लोराइड F नेगेटिव. सिमिलरली यू विल लर्न थायोसाइनेट एज एस सी एन नेगेटिव. सो ऑटोमेटिकली जो आपको इनका चार्ज है वो भी लर्न हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन. सो दिस इज 14. नाउ 15 वी हैव हाइड्राइड. हाइड्राइड इज H नेगेटिव एंड इट इज रिटन एज हाइड्रीडो. अगेन द चार्ज इज माइनस वन. नाउ एट 16 वी हैव ऑक्साइड, क्लियर टू. ऑक्साइड में ओ माइनस टू एंड इट इज रिटन एज ऑक्सो, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आफ्टर दैट एट नंबर 17 वी हैव परऑक्साइड. परऑक्साइड ऑल ऑफ यू नो ओ टू माइनस टू, ठीक है बेटा. यहाँ ऑक्सो का रह गया था, ऑक्साइड पे जो चार्ज आएगा वो माइनस टू, सिमिलर है. अब यहाँ पर आप परऑक्साइड ओ टू माइनस टू, इट इज रिटन एज पर ऑक्सो और इस पे भी कितना है माइनस टू. नाउ नंबर 18 व्हाट वी हैव नाइट्राइड, ये हम दो इकट्ठे करेंगे नाइट्राइड. नंबर 19 वी विल डू फॉस्फाइड. नाइट्राइड इज बेटा एन माइनस थ्री, फॉस्फाइड is P minus 3. So nitride is written as nitrido, N-I-T-R-I-D-O. Similarly this phosphide is written as phosphido. They both will have the charge minus 3. Clear? Then number 20 we will have carbonate. All of you know carbonate, a CO3 2 negative or minus 2. It is written as carbonato and it will have the charge minus 2. Now at 21 we will have nitrate. Nitrate is all of you know NO3 negative and it is written as nitrato. Nitrate ka nitrato and having the charge minus 1. Now at 22 we will have amide.
It is NH2 negative on the upper side and it is written as amido. Clear to all of you, charge again minus one. अब इसी से linked जो 23 है, that is imide. थोड़ा सा change है imide में बेटा. NH सिर्फ ये charge 2 negative आपको upper side में note करना है. Clear to all of you and it is written as imido. Now the charge is minus 2. So this is amide and imide. Be clear, they are written as amido and imido. Now 24 we will have sulfite. Sulfite is SO3 2 negative and it is written as sulfito. और बेटा इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस टू. नाउ एट 25 व्हाट वी आर हैविंग, क्लोरेट. क्लोरेट ऑल ऑफ यू नो ClO3 नेगेटिव, इट इज रिटन एज क्लोरीटो और बेटा इस पे भी चार्ज कितना है, माइनस वन है. नाउ एट 26 थायोसल्फेट. Thiosulfate is, we can write it as S2O3 2 negative and it is written as thiosulfato and beta it will have the charge minus 2. So ye beta humne kiya 13 se lekar 26. Clear to all of you, properly inko learn karna hai, very important. Theek hai, chaliye next. Now 27. Number पे we are having superoxide. All of you know superoxide is O2 minus 1. It is written as superoxo और बेटा इस पे जो charge होगा वो minus 1 charge. Clear to all of you. Now 28 पर we are having glycinate. It is beta also symbolized as GLY. ठीक है. So amino acid से लिया है CH2COO negative और यहां से NH2. Clear to all of you. Now it is written as glycinato. अब बेटा इस पे charge कितना है, minus 1, तो यहां पे हम minus 1 लगा देंगे, glycinato. Now next 29 नंबर पे वी आर हैविंग एसिटाइल एसीटोनेट. एसिटाइल एसीटोनेट ACAC. अब बेटा इस पे जो चार्ज आएगा माइनस वन तो पहले ही इंडिकेट कर रहे हैं. इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. फर्स्ट यू हैव टू राइट CH3CO, ये लिखना है आपको. फिर आपको लगाना है बेटा डबल बॉन्ड, या ऐसे कीजिए CH डबल बॉन्ड आपको लगाना है. आपको थोड़ा सा ध्यान हो एसिटिक एसिड, वहां से हमने थोड़ा इसको लिया है CH डबल बॉन्ड, फिर हमने लगाया देन C एक CH3 और बेटा ये O नेगेटिव. लर्न कैसे करें, देखिए थोड़ा सा क्लियरिटी बिल्कुल सिमिलर है, ये पार्ट तकरीबन आपका सेम है CH3CO CH3CO नेगेटिव की वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया और ये बीच में लिंकेज है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आया बेटा, वन नेगेटिव, तो इसका जो चार्ज है माइनस वन है एंड इट इज रिटन एज एसिटाइल एसीटोनेटो. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं ये स्ट्रक्चर आते नहीं है, बट एक्चुअली क्या है, जब आप आइसोमेरिज्म का टॉपिक करोगे तो वहां पर कई बार हमें देखना पड़ सकता है कि कहां से हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है. सो ये जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं इनके स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा. क्लियर. नेक्स्ट नंबर 30 वी विल हैव डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम DMG. डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम, इस पे भी जो चार्ज आएगा माइनस वन तो पहले ही लगा देते हैं. अब कैसे स्ट्रक्चर करें, बिल्कुल सिंपल है. यू विल राइट CH3C, अगेन राइट CH3C, दोनों को कंबाइन कीजिए. तो पहला पार्ट आपने क्या लिखा बेटा CH3C, सेकंड आपने लिखा CH3C, दोनों को कंबाइन कर दिया, देन दोनों में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाइए. इस तरह से दोनों में आया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर थोड़ा सा डिफरेंस
यहाँ पे OH और यहाँ पे O नेगेटिव। सो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है बिल्कुल सिमिलर है। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ से जोड़ना है क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं, ऑटोमेटिकली वी हैव टू कंबाइंड बाय दिस पार्ट। सो बेटा इनिशियली अगर हम बात करें तो ये OH ही था, बट लीगेंड की तरह काम करेगा तो एक एच हटा, O नेगेटिव। क्लियर? अब इसमें भी चार्ज कितना नजर आ रहा है आपको, -1 चार्ज है। सो हाउ कैन आई राइट द नेम ऑफ इट एज लीगेंड? इट इज रिटन एज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, दिस इज द नेम। सो इसमें हमने एक तो ये ग्लाइसिनेट देखा, ग्लाइसिन आपका अमीनो एसिड था, अगर आपको ध्यान हो बायोमोलिक्यूल्स में वी आर हैविंग द अमीनो एसिड ग्लाइसिन CH2 C डबल OH NH2। सिर्फ आपने इसको हटाया तो आपका ये बना ग्लाइसिनेट, ठीक है। देन एसिटाइल एसिटोनेट का भी मैंने आपको मेथड बनाया, देन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साम। एक बार जब आप इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे सो दे मस्ट बी फिटेड इन योर माउथ, और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत आएगी। सो ये हमने करे 27 से 30। नाउ सम 3-4 मोर लेफ्ट ऑफ एनायनिक, द बिगेस्ट लिस्ट इज ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, बाकी छोटी छोटी लिस्ट है। सो 30 तक हो गया हमारा, 31 इज आई विल राइट इथाइलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, इथाइलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, बी क्लियर, इथाइलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेट। नाउ इन द शॉर्ट हम इसको कैसे लिखेंगे, EDTA, इथाइलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, इट इज रिटन एज EDTA। अब चार्ज जो है मैं आपको चलो पहले बता देता हूँ, इस पर जो चार्ज आएगा ट्राइएसिटेट है तो -3 आएगा। चलिए दिस इज CH2 CH2 NH2 NH2, ध्यान से देखिए, दिस इज सेट टू बी इथाइलीन डाइअमीन। हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं बेटा, वी विल प्रोनाउंस इज एट इथाइलीन डाइअमीन, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसमें करना क्या है, देखिए सी द कंप्लीट नेम इथाइलीन डाइअमीन ट्राई एसिटेट। अब इसमें आपको तीन एसिटेट ग्रुप लगाने हैं, सो दो हाइड्रोजन यहां से हटाइए, दो ग्रुप लगाइए CH2 C डबल O नेगेटिव, CH2 C डबल O नेगेटिव। सेम यहां से एक हटाइए CH2 C डबल O नेगेटिव, और H को एज इट इज रखिए। सो ये क्या बन गया आपका, इट इज इथाइलीन डाइअमीन ट्राई एसिटेट एज फार एज कोऑर्डिनेशन नंबर इज कंसर्न। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, सेकेंड यहां से, थर्ड यहां से, फोर्थ यहां से, और फिफ्थ यहां से, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। अब चार्ज देखिए कितना है, -1 -1 एंड -1, सो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, द टोटल चार्ज इज नाउ -3, इट इज क्लियरली विजिबल। नाउ एज अ लीगेंड हम इसको क्या लिखें, एज अ लीगेंड इट इज रिटन एज इथाइलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, दिस इज द नेम एज अ लीगेंड। नाउ 32 बेटा, इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिए नाउ इथाइलीन 32 इसको नंबर कीजिए, इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब बेटा आपको चार एसीटेट ग्रुप लगाने, तो यहां पर जो हाइड्रोजन था उसकी जगह भी हम करेंगे 4th आपका एसीटेट ग्रुप। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और चार्ज कितना होगा, -4। नाउ इट इज रिटन एज इथाइलीन डाइअमीन, व्हाट विल आई राइट, टेट्रा एसीटेटो, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज नंबर 32 हमने किया। नाउ 33 वी विल हैव पर हाइड्रोक्साइड, हाउ टू लर्न पर हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड क्या था बेटा, OH नेगेटिव, और पर का मीनिंग क्या होता है, एक ऑक्सीजन और लगा दीजिए, सो ये बन जाएगा आपका O2H नेगेटिव पर हाइड्रोक्साइड, क्लियर, एंड इट इज रिटन एज पर हाइड्रोक्सो, और बेटा जो चार्ज होगा वो -1,
क्लियर। नाउ एट नंबर 34 वी आर हैविंग हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज बेटा HSO3 नेगेटिव। क्लियर। एज अ लिगेंड वी विल राइट इट एज हाइड्रोजन सल्फीटो एंड एज द नेम इंडिकेट द चार्ज इज -1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज अजाइड एट 35 नंबर वी आर हैविंग अजाइड। अजाइड इज N3 नेगेटिव। ध्यान करना है N नीचे 3 और ऊपर नेगेटिव है। एज अ लिगेंड हम बेटा इसको लिखेंगे अजीडो और इस पे चार्ज कितना है -135। नाउ 36 एट 36 नंबर वी आर हैविंग हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव। एज अ लिगेंड इट इज रिटन एज हाइड्रोजन कार्बोनेटो और बेटा चार्ज कितना होगा -1। नाउ 37 पे क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सल्फाइड SULPHIDE सल्फाइड इज X-2। क्लियर। जैसे ऑक्साइड को हमने ऑक्सो लिखा था तो सल्फाइड को हम लिखेंगे सल्फो और आल्सो रिटन एज सल्फीडो। सो बेटा ये जो 37 है ये आपके टोटल एनायनिक लिगेंड्स हैं। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक या दो स्ट्रक्चर आपके एक्स्ट्रा थे, अदरवाइज ये सारा बेसिक आपने 11th में कर रखा है, कहीं ना कहीं आपने इन आयंस को सुन रखा है समवेयर इन द यू कैन से वहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस में या इन द रेडॉक्स रिएक्शन या छोटी क्लासेस से आप इन आयंस को सुनते आ रहे हो। डिफरेंस इज नाउ दैट अब इनमें कैपेबिलिटी है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देयरफॉर दे विल एक्ट एज लिगेंड और एनायनिक लिगेंड में दे विल एंड एज एट ओ। और चार्ज के साथ इनको लर्न करना है क्योंकि जो आपके फर्दर टॉपिक है वहां हमें इनके चार्ज की जरूरत पड़ेगी। सो नेवर लर्न सल्फाइड एज एस, लर्न इट एज S-2। सो ये बेटा हमारी पहली लिस्ट थी जिसमें वी हैव डन एनायनिक लिगेंड्स। नाउ सेकेंड वी विल डू द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स को करते हैं। सेकेंड सी आउट न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, दे विल हैव द नो चार्ज, तो किसी का भी चार्ज लर्न करने की जरूरत नहीं है, सबका चार्ज जीरो। एंड जो इनका नेमिंग हम करते हैं सो इनके नेमिंग में कोई स्पेशलिटी नहीं है, दे आर नेम्ड एज सच विद वन और टू एक्सेप्शन, सिर्फ एक या दो एक्सेप्शन है, अदरवाइज हम इनको नॉर्मली वैसे ही लिखते हैं जैसा इनका नेम है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब चार्ज लर्न नहीं करना है, सिर्फ इनका जो नेम है वही लर्न करना है और जिनका थोड़ा सा नेम डिफर किया गया है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज मिथाइलअमीन। मिथाइलअमीन CH3NH2 बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये अमीन है। ठीक है, अब चार्ज है ही नहीं तो चार्ज बताने की जरूरत ही नहीं, दिस इज रिटन एज मिथाइलअमीन। नाउ द सेकेंड कम्स आउट टू बी अमोनिया, इसमें ध्यान देना है आपको, अमोनिया NH3 एज अ लिगेंड इसके नाम में चेंज किया गया है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डबल एम आएगा, सबसे बड़ी मिस्टेक AMMINE, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो जिनमें चेंजेस हैं उनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। नंबर थ्री में है वी आर हैविंग वॉटर, वॉटर H2O। ठीक है, अब बेटा इनमें देखिए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी, यहाँ पर ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है। मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन साइट्स कौन कौन सी होती हैं, या तो कोई नेगेटिव चार्ज हो, या नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो, या फॉस्फोरस पे लोन पेयर हो, अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, सो बेटा हम एक साइट पे और जाते हैं ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन आल्सो कैरीज लोन पेयर। सो यहां पर वाटर में जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो कहां से बनेगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, चलिए
अब वाटर के नेम में भी चेंज किया गया है, इट हैज द टू नेम्स, कुछ भी लिख सकते हो, आइदर यू विल राइट एक्वा और यू विल राइट एक्वा, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट एवर यू वांट टू राइट. नाउ एट नंबर फोर वी आर हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज सीओ, बट एज अ लीगेंट इट इज रिटन एज कार्बोनाइल. सो बेटा ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, जिनके नेम है वो उनके साथ मैच नहीं करते, दैट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ स्टूडेंट्स एट नंबर फाइव वी आर हैविंग कार्बन मोनोसल्फाइड, कार्बन मोनोसल्फाइड सी एस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज रिटन एस. अब ये क्या था देखो, कार्बोनाइल, इसमें सल्फर आ गया, सो इट इज रिटन एस थायो कार्बोनाइल. नाउ नंबर सिक्स वी आर हैविंग नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा हम क्या लिखते हैं, NO, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ एज अ लीगेंट इट इज रिटन एज नाइट्रोसिल. सो ये मैंने सिक्स लीगेंट्स लिखे हैं, ठीक है. नाउ आई विल रब आउट. नाउ एट नंबर सेवन, नंबर सेवन पे वी आर हैविंग फॉस्फीन, फॉस्फीन इज PH3, और बेटा ये फॉस्फीन ही लिखा जाता है, सो नो नीड टू पर्टिकुलरली स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लगा रहा हूं. नेक्स्ट इज ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, इसका मीनिंग क्या है कि ये तीन हाइड्रोजन हटा के आपको फिनाइल लगाने हैं C6H5, कुछ इस तरह से बनेगा C6H5, और हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं P, वन फिनाइल ग्रुप, सेकेंड फिनाइल ग्रुप, थर्ड फिनाइल ग्रुप, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, और इसका जो नेम है वो भी एज इट इज है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन. तो स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस से बनेगा फ्रॉम हेयर, ठीक है. सो दिस इज ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, इट इज समटाइम रिटन एज TRIPH, ये ध्यान रखिएगा. सिंबलाइज भी करते हैं बट नॉर्मली इसको सिंबलाइज नहीं किया जाता. कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि TRIPH मुझे मिला तो वो था ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, पर जनरली हम इसको सिंबलाइज नहीं करते, बट अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो पहचान आपको करनी है. सो दिस इज 7 and 8. नाउ एट नंबर 9 वी आर हैविंग, नंबर 9 पे है पायरीडीन, पायरीडीन इज PY. पायरीडीन में बेंजीन में एक कार्बन हटा के आप नाइट्रोजन लगा दीजिए, दिस इज पायरीडीन, क्लियर. और ये बेटा एज इट इज ही नोट होता है PYRIDINE. नाउ एट नंबर 10 वी आर हैविंग इथाइलीन डाई पायरीडीन, वी हैव डन थायो यूरिया, क्लियर. इट इज सिंबलाइज्ड एज TU. अब इसको कैसे लर्न करें, देखिए यूरिया क्या होता है बेटा, NH2CONH2. आपको पता होना चाहिए दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको केमिस्ट्री लैब में सिंथेसाइज किया गया था. इससे पहले बिलीव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. अब ये थायो यूरिया है तो ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे सल्फर लगा दीजिए, थायो यूरिया, यू विल राइट NH2CSNH2, सेम रिटन एज थायो यूरिया. नाउ एट नंबर 11 वी आर हैविंग इथाइलीन डायमीन, सिंबलाइज्ड एज EN. सो CH2NH2, ये बेटा इथाइलीन और ये आपका डायमीन. फर्स्ट वाला पार्ट है इथाइलीन और ये वाला पार्ट डाइअमीन, एंड इट इज रिटन एज सच इथाइलीन डाइअमीन, नंबर 11. नाउ नंबर 12
एट नंबर 12 वी आर हैविंग 2-2 डाइपायरिडिल. आई विल अगेन रिपीट, 2-2 डाइपायरिडिल. इट इज रिटन सिंबलाइज्ड एज DIPY. तो इसमें क्या करना है, दो पायरिडिन रिंग्स को जोड़ना है आपस में कुछ इस तरह से. ये आपकी फर्स्ट पायरिडिन रिंग बेटा, ये आपकी सेकंड पायरिडिन रिंग. ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और इन दोनों को आपको कंबाइन कर देना है यहां से. दिस इज क्लियर, ठीक है. और इट इज रिटन एज सेम, जब आप इसका नाम लिखोगे एज अ लीगेंड, ठीक है ना. सो ये 2,2 हम हटा देते हैं, डाइपायरिडिल. क्लियर, चलिए. नाउ एट नंबर 13 वी आर हैविंग ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन. ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन आल्सो रिटन एज 110 फिनेंथ्रोलीन, भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है. 110 फिनेंथ्रोलीन सिंबलाइज्ड, आप इसको पीएच भी कर सकते हो और PHEN भी कर सकते हो, बोथ आर द सिंबल्स. क्लियर. अब इसमें क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले ये एक पायरिडिन रिंग ड्रॉ करनी है इस तरीके से. बेटा स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न कीजिए. ये मैंने पहली पायरिडिन रिंग ड्रॉ करी, फिर बेंजीन रिंग नॉर्मल ड्रॉ कीजिए. नंबर 2 पे बेंजीन रिंग, फिर नंबर 3 पे एक और आपको पायरिडिन रिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है. ये नाइट्रोजन यहां पे इस तरह से. अब लर्न कैसे करोगे, देखो मैंने ना पहले भी स्ट्रक्चर बनाया था डाइपायरिडिल और फिनेंथ्रोलीन. जब भी आप रिंग्स को कंबाइन करते हो तो नाइट्रोजन के बीच में दो पोजीशंस का डिफरेंस होगा, 1-2. सेम हेयर, नाइट्रोजन के बीच में देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 पोजीशन. तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है. नाउ एज अ लीगेंट इट इज रिटन एज फिनेंथ्रोलीन. एज अ लीगेंट हम इसको फिनेंथ्रोलीन नोट करते हैं, ठीक है. सो दिस इज वी हैव डन नंबर 12, नंबर 13. नाउ वी आर हैविंग 2 मोर. 15 हमारे जो है वो न्यूट्रल लीगेंट्स हैं. एट नंबर 14 वी हैव, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डाइथाइलीन ट्राइअमीन. डाइथाइलीन ट्राइअमीन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इट इज रिटन एज DIEN, क्लियर. इसके साथ ही हम एक और करेंगे, दोनों में इकट्ठा ही करा देता हूं. नंबर 15 पे जो है वी आर हैविंग ट्राइथाइलीन टेट्रामीन. ट्राई इथाइलीन टेट्रामीन, बेटा यहां पे सिंबल था डाई में DIEN, ट्राई में क्या हो जाएगा TRIEN. अब कैसे लर्न करोगे, यहां पे इथाइलीन ग्रुप 2 बार है और अमीन ग्रुप आपका 3 बार, ये ध्यान रखना है. सो देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले CH2NH2, ये फिर बीच में NH आया. अब एक बार इथाइलिन आ गया आपका, दूसरी बार इथाइलिन CH2CH2, सेकेंड टाइम इथाइलिन, ये कर दीजिए आप. इट इज डाइथाइलिन ट्राइअमीन, 1, 2, 3. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, एक यहां से. सो आपके अमीन कितने हो गए, 1, 2 और 3, और इथाइलिन कितने हो गए, 1, 2. और इथाइलिन के बीच में ज्वाइन किससे करोगे, NH से. अब इसमें क्या करना, इथाइलिन 2 की बजाय कितने करने हैं, 3 करने हैं. सो जस्ट सी आउट CH2NH2, सो CH2, ये आपका फर्स्ट इथाइलिन, फिर NH CH2CH2, ये बेटा सेकंड इथाइलिन, देन NH के बाद CH2CH2, ये थर्ड इथाइलिन, और फिर आपने ये क्या कर दिया, NH2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा, दूसरा यहां से बनेगा, तीसरा यहां से बनेगा, चौथा यहां से. सो वैसे भी कर सकते हो 3 इथाइलिन और 4 अमीन, 1, 2, 3 और 4. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो डिफरेंस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डाइथाइलिन ट्राइअमीन, दिस इज ट्राइथाइलिन टेट्रामीन. सो स्टूडेंट दिस इज यू कैन से द लिस्ट ऑफ, अभी कंप्लीट नहीं है, वी आर हैविंग सम टिपिकल आल्सो, 2-3 और है इसमें, 15 नहीं है उससे थोड़े ज्यादा हैं. जस्ट सी आउट एट नंबर 16 व्हाट वी हैव.
नंबर 16 पे वी आर हैविंग 2-2-2 टरपायरिडीन 2, 2 टरपायरिडीन। टरपायरिडीन मतलब वी आर हैविंग 3 पायरिडीन रिंग्स। टर का मतलब होता है 3, ये आप अब तक समझ चुके होंगे अगर आपने प्रॉपरली हमारे पिछले YouTube लेक्चर देखे हैं जिसमें मैंने लिगेंड्स के बारे में बताया था। टरडेंटेट ट्राइडेंटेट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टर मींस 3। नाउ इट इज आल्सो रिटन एज TERPY। सो आपको 3 पायरिडीन रिंग्स को जोड़ना है और दो नाइट्रोजन के बीच में 2 का आपको गैप भी रखना है। सो ये पहली पायरिडीन रिंग में ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल 1 by 1 करेंगे, कोई इसमें जल्दी नहीं करनी है, तरीका पता होना चाहिए। ये पहली पायरिडीन रिंग हमारी ड्रॉ हो गई, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद सेकंड पायरिडीन रिंग, ये सेकंड पायरिडीन रिंग हमने ड्रॉ करी और इनको जोड़ना कहां से है, यहां से ही, देखिए क्योंकि बीच में नंबर 1 और 2 का गैप आना जरूरी है। सो ये 2 पायरिडीन रिंग जोड़ दी। अब सिमिलरली आप 3rd पायरिडीन रिंग यहां पे जोड़ेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे जो नाइट्रोजन आएगा बिल्कुल इसके सामने, ये चीज ठीक है। अब इनको ज्वाइन कीजिए, अगेन जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 1 और 2। सो आपने 3 पायरिडीन रिंग्स को कंबाइन किया है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की जाए तो बेटा 1, 2, 3 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ऐसे। चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तो लेक्चर नहीं है बट फिर भी बता दिया। नाउ इट इज रिटन एज अ लिगेंड, टर पायरिडीन हम इसको लिखते हैं एज अ लिगेंड। सो ध्यान रखना है कि जब भी आप पायरिडीन रिंग को ज्वाइन करोगे बिटवीन द 2 नाइट्रोजन देर इज अ गैप ऑफ 2। इस गैप को मेंटेन करते हुए चाहे तो आप 2 रिंग जोड़ दीजिए, चाहे आप 3 रिंग जोड़ दीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो ये था नंबर 16। नाउ नंबर 17, नंबर 17 पे है डाई नाइट्रोजन N2, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज रिटन एज सच, डाई नाइट्रोजन ही हम इसको लिखते हैं बेटा। नंबर 18 पे वी आर हैविंग डाई ऑक्सीजन O2, इट इज आल्सो रिटन एज डाई ऑक्सीजन। नंबर 19 पे यूरिया NH2, अभी बताया था मैंने, वी हैव डिस्कस्ड CuNH2, इट इज आल्सो रिटन एज यूरिया, क्लियर। एंड लास्ट नंबर 20 वी आर हैविंग एसीटोन CH3CO CH3, इट इज आल्सो रिटन एज एसीटोन। तो एसीटोन का अगर मैं थोड़ा डिस्कस करूं, मैंने कहा था जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो ऑक्सीजन से बनेगा। सो ये ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बनेगा, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन फॉस्फोरस और लास्ट में आपको ऑक्सीजन को चेक करना है क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर्स। सो दिस वी हैव फिनिश्ड द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। चार्ज लर्न नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि चार्ज होता ही नहीं है। और कोऑर्डिनेट स्फीयर में जब नेम होता है बेटा तो ध्यान रखिए कुछ एक का हमने नेम चेंज किया है तो उनके नेम्स आपको लर्न करने, बाकी है सच। नाउ 3rd कैटायनिक लिगेंड्स, जो कैटायनिक लिगेंड्स है बेटा दे नॉर्मली एंड विद EM, EM से हम इनका एंड करते हैं। तो सबसे छोटे लिस्ट कैटायनिक लिगेंड्स की है, सिर्फ हमारे पास 3 कैटायनिक लिगेंड्स हैं, 1, 2 and 3। सो फर्स्ट आई विल राइट नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम द सिंबल ऑफ नाइट्रोसोनियम इज NO पॉजिटिव एंड इट इज आल्सो रिटन एज नाइट्रोसोनियम। और बेटा जो इस पे चार्ज होगा दैट इज +1। सेकेंड आई विल राइट नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए आप इसमें, NO2 पॉजिटिव, इट इज रिटन एज नाइट्रोनियम। +1 इज द चार्ज। 3rd एंड द लास्ट इज हाइड्राजीनियम, अब इसको कैसे लर्न करें बेटा, ये कंपाउंड NH2 NH2, दिस इज हाइड्रा
जीन। अगर आप इसमें एच पॉजिटिव ऐड कर देते हो, सो एच पॉजिटिव अगर ऐड करोगे इट विल बी NH2 NH3 पॉजिटिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हाइड्राजीनियम इज NH2 NH3 पॉजिटिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एज अ लीगेंड और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी इट इज रिटन एज हाइड्राजीनियम और चार्ज इंडिकेट हो रहा है +1। सो वी आर हैविंग ओनली 3 लीगेंड्स इन केस ऑफ कैटायनिक। सो बेटा लीगेंड्स का नेम चार्ज प्रॉपरली लर्न करना है सो दैट आप बाकी सारी चीज़ें कर सको। और इन द लास्ट मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला नेगेटिव चार्ज की साइट, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को भी चेक कर लीजिएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से द कंप्लीट लिस्ट ऑफ लीगेंड्स एनायनिक कैटायनिक एंड न्यूट्रल विद देयर नॉर्मल नेम्स एंड देयर नेम्स दैट वी विल राइट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। प्रॉपरली लर्न करना है, ये इस चैप्टर का बेसिक है। इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न दिस देन द होल चैप्टर इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, आप कभी भी उसको लर्न नहीं कर पाओगे। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ लीगेंड्स, दैट्स ऑल।